हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते स्वर्षभाय सात्वतां विदूरकाष्ठा यमुः कुयोगिनां नीरस्तसाम्या तिशये नराधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसि नमो नमः। किरात हूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशम्भा यवनाखसादया येनी च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता चस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत् किलास्यत स मे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदता। भूतैर्महद्भिर्य इमां पुरो विभुर् निर्मायशीति यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते स्गुणनिति शो दशषोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय छः, जिसका शीर्षक है पुरुष सूक्त की पुष्टि। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि सोनिक आदि 88,000 ऋषि सूची गोस्वामी से इस प्रकृति के प्रारंभ के विषय में पूछते हैं, क्रिएशन के विषय में पूछते हैं, किस प्रकार इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ उसके विषय में पूछते हैं। तब जो सूत गोस्वामी हैं वो बताते हैं कि यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो वही वार्ता जो ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं, वही सूत गोस्वामी 88,000 ऋषियों को बताते हैं। तो हमने पांचवा स्कंद था उसमें हमने नारद का प्रश्न पूछा सुना था। नारद ने ब्रह्मा जी से कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड का वास्तविक नियंता कौन है, सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि इस ब्रह्मांड के क्रिएटर तो ब्रह्मा जी हैं। परंतु नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी भी स्वयं किसी की तपस्या करते हैं। जब वो किसी की तपस्या करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अवश्य कोई तो ऐसा है जो ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है। इसलिए नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि बताइए और वो कौन है। तब ब्रह्मा जी ने बहुत ही क्लियरली बताया कि देखने में तो भली लगता है कि मैं ही सब कुछ का सृजन करने वाला हूँ, परंतु वास्तविक में मैं सुप्रीम कंट्रोलर नहीं हूँ। मैं क्रिएट तो करता हूँ लेकिन मैं वास्तविक क्रिएटर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। मैं परम पुरुष नहीं हूँ। सारे वेदों के अध्ययन, तपस्या और समस्त जो भी हम आध्यात्मिक कोई कार्य करते हैं उसका एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है कि उसके द्वारा हम उस परम पुरुष के साथ अपने संबंध को जोड़ सकें, अपने भूले हुए वास्तविक जीव का संबंध केवल भगवान से है। और यदि हम कोई तपस्या करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, तो उसका कारण क्या, हम भगवान को समझें और भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ें। भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वे अहम् एव वेद्यो। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बहुत ही क्लियरली बताया श्लोक नंबर 20 में, 2.5.20 में कहा स एष भगवान लिंग स्त्री, स एष भगवान लिंग त्रिभिरे तैरदोक्षज स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां च मम चेश्वर स एष भगवान लिंग है। हे नारद, परम दृष्टा दिव्य भगवान प्रकृति के ऊपर प्रकृति के तीनों गुणों के कारण जीवों के भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं। त्रिभिरे तैर अधोक्षज, वो अधोक्षज है, वो हमारी इन इंद्रियों के द्वारा जाने नहीं जा सकते क्योंकि वो तीनों गुणों से परे हैं। स्वलक्षित गतिर ब्रह्मा, स्वलक्षित वो अदृश्य है, गति वो उनका जो उनके कार्यकलाप हैं वो भी अलक्षित हैं। तो सर्वेषां च मम ईश्वर, वो सभी को पालन करने वाले हैं, सभी को उत्पन्न करने वाले हैं। च मम में इवन उन सारी सृष्टि को भी उन्होंने पैदा किया और मुझे भी उन्होंने ही बनाया है। तो मैं क्रिएटर नहीं हूँ, मैं क्रिएट भी अगर करता हूँ तो मैं उसी सृष्टि का सृजन करता हूँ जो पहले से ही सृजित है, जो कुछ उन्होंने पहले से ही सृजित किया हुआ है, जो उनके द्वारा सारी सृष्टि जो पहले से ही बन चुकी है, वही जब वो पुनः कल्प के अंत में जब प्रलय होता है तो मैं जब दोबारा कल्प स्टार्ट होता है तो मैं उन्हीं के बनाई हुई वस्तुओं को रिक्रिएट करता हूँ। और जिस तरह से श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर मिसाल देते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका को क्रिएट किया, लोग कहते हैं ना, लेकिन
वो अमेरिका बनाया नहीं था, वो अमेरिका का जो कंट्री था वो तो पहले से ही था। कोलंबस ने बस उसको खाली संसार के सामने प्रकट किया। तो उसी तरह से जो ब्रह्मा जी हैं वो कुछ क्रिएट करते हैं तो पहले से ही वो क्रिएटेड होता है। और यही बात श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के श्लोक नंबर 14 में भगवान ब्रह्मा जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि आप ही समस्त वस्तुओं के स्रोत हो और नारायण के भी आदि स्रोत आप हो। तो ये बताने के बाद कि सुप्रीम क्रिएटर कौन है, इसके बाद ब्रह्मा जी ये बताते हैं कि वो किस तरह से इस संसार की सृष्टि करते हैं। वास्तव में ये जो क्रिएशन है, ये जो सृष्टि की रचना है, उसका जो टॉपिक है उसको समझना थोड़ा सा कठिन है और इसको संपूर्ण रूप से समझा भी नहीं जा सकता है। और ब्रह्मा जी तो भगवान की कृपा से, भगवान की शक्ति से, भगवान के आशीर्वाद से इसको समझ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको अच्छे से पूरी तरह से समझ जाएं। परंतु यदि हम इसको बहुत अच्छे से नहीं भी समझ पाते हैं तो भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही टॉपिक दोबारा से थर्ड कैंटो में, तीसरे स्कंद में भी डिस्क्राइब किया जाएगा। तो श्री प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं उनको पढ़ते हुए उनको हम समझने का प्रयास करेंगे, और यथामति हम कोशिश करेंगे कि इन श्लोकों को समझ समझ कर आगे चलते रहें, ताकि हम भागवतम को पढ़ सकें, समझ सकें। और भगवान श्री कृष्ण और गुरु और गौरंगा के चरणों में ये प्रार्थना है कि वो अगर मुझे निमित्त बना रहे हैं आप सबको ये भागवतम सुनाने के, तो मुझे योग्यता भी प्रदान करें और वो शब्द भी प्रदान करें जिनके द्वारा मैं इसको आप सबके समक्ष डिस्क्राइब कर सकूं। तो हम इसको आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मा जी नारद जी को इस भौतिक सृष्टि के समस्त वस्तुओं के विषय बताते हैं कि जो कुछ भी है, दिख रहा है, वो भगवान का ही बनाया हुआ है और वो किस प्रकार से भगवान का ही एक पर अंग प्रत्यंग है। तो श्लोक नंबर 1 कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। ब्रह्मोवाच, श्री ब्रह्मोवाच, वाचां वहेर्नु क्षम वाचां विनिर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च वाचां वहनिर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च वाचां वहनिर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। ब्रह्मा उवाच, अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, वाचां वहनिर्मुखं क्षेत्रं, वाचां मतलब वाणी का, वहनिर् मतलब अग्नि का, मुखं मतलब मुख, क्षेत्रं अर्थात जनन या केंद्र। वहने का मतलब होता है अग्नि का, मुख मतलब मुख और क्षेत्र मतलब केंद्र, मतलब जो विराट भगवान है उनका मुख या वाणी का जो उद्गम केंद्र है उसका नियामक जो है वो अग्निदेव है, अग्निदेव उनका मुख है। और छंदसा सप्तधातवा, छंदसा मतलब वैदिक मंत्र का यथा गायत्री का, सप्त यानी सात, धातवा, छंदसा का मतलब होता है त्वचा, जो स्किन है उसके सात परत होते हैं, तो त्वचा और उसके छह अन्य परत, छह अन्य स्तर जो है, हव्य कव्य यानी देवताओं के पितरों को दी गई भेंट। और क्षमा, छंदसाम का मतलब होता है वैदिक मंत्र यथा गायत्री, और धातव का मतलब होता है स्किन या त्वचा। तो छंदसा
सप्तधातवा यानी कि उनकी त्वचा तथा अन्य जो छह आवरण हैं त्वचा के वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं। और जेवा सर्व रसस्य च, जेवा मतलब उनकी जीव देवताओं यानी पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों यानी रसों का उद्गम है। यानी कि जो कुछ भी इस संसार में है वो किसी न किसी तरह से भगवान को का ही संकेत देता है। और इसको श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। पहले अनुवाद देखिए। ब्रह्मा ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है और उसका नियामिक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य छह स्तर यानी आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम यानी केंद्र है। और उनकी जीव देवताओं पितरों तथा सामान्य जनों का को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों का उद्गम है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें ये समझाएंगे कि किस प्रकार के संपूर्ण वस्तुओं के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, हव्य कव्या मृतान्नानम जिह्वा सर्व रसस्य च। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो चाहे शास्त्र का कोई भी सिद्धांत है, यदि वो हमें इस बात को समझा रहा है कि संपूर्ण वस्तुओं के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं और हम भगवान श्री कृष्ण को समझकर अपने हृदय में उनके लिए प्रेम और भक्ति को उजागर कर पा रहे हैं, तो यही शास्त्र का और संपूर्ण वेदों का वास्तविक अभिप्राय है। श्रीला प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। यह कहा गया है कि उनका मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है और इसका अधिष्ठाता देव अग्निदेव है। उनकी त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य छह स्तर गायत्री जैसे सात प्रकार के वैदिक मंत्रों के सृजन केंद्र हैं। गायत्री समस्त वैदिक मंत्रों का शुभारंभ है और श्रीमद् भागवतम के प्रथम खंड में इसकी व्याख्या की गई है। चूंकि जितने सृजन केंद्र हैं वे भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग हैं और चूंकि भगवान का रूप भौतिक सृष्टि से परे है, अतएव यह समझना चाहिए कि वाणी जीव त्वचा इत्यादि से यह बोध होता है कि भगवान का दिव्य रूप उनसे रहित नहीं है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी जो सबसे मुख्य बात बता रहे हैं वो ये है कि वाचा वहनेर मुख क्षेत्रम, जो वाणी है वो भगवान के मुख के समान है। जो कुछ भी संसार में बोला जा रहा है वो शब्द भगवान के द्वारा ही निकले। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि प्रत्येक शब्दों का आदि मैं हूँ। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जो कुछ भी है इससे समझ में ये हमें समझना चाहिए कि अतएव ये समझना चाहिए कि वाणी जीव त्वचा इत्यादि ये साफ साफ बताए गए हैं। वाणी क्या है? अग्निदेव जो है वो उनके नियामिक देवता है और उनकी त्वचा गायत्री है। और इसके अलावा जीवा सर्वस्य च, जीवा जो है वो समस्त रसों का आस्वादन करने वाले। तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि भगवान इंद्रियों से रहित नहीं है। जो सबसे मुख्य बात यहाँ पर समझाई जा रही है वो ये है कि भगवान निराकार नहीं है, उनका अस्तित्व है तो उनके इंद्रियां भी हैं। ये अलग बात है कि हमारी इंद्रियां सीमित होती हैं और भगवान क्योंकि असीम है तो भगवान की इंद्रियां भी असीम हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी इंद्रियां ना हो। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है। जो भी शब्द हम उच्चारण करते हैं या जो भी वस्तु या भोजन ग्रहण करते हैं वो शक्ति किसकी है?
भगवान की है। अगर किसी के शरीर से वो भगवान की सत्ता निकल जाए तो उसके सामने चाहे करोड़ों प्रकार के भोजन रखे हों या उसको चाहे कितनी ही लैंग्वेजेस आती हों, क्या वो एक शब्द भी बोल सकेगा? क्या वो एक एक छोटा सा अनाज का दाना भी कभी खा सकेगा? नहीं, ये सब शक्ति मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है। ऐसी क्रियाएं मूल आगारों के विकृत प्रतिबिंब हैं। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। यहाँ श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, और आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधताओं के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह से अभिव्यक्त होते हैं। जो भी क्रियाएं हैं, चाहे बोलने की, चाहे खाने की, चाहे आनंद लेने की, वो सब आध्यात्मिक जगत में पूरी तरह से अभिव्यक्त होती हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के तीन गुणों से कलुषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियाँ शुद्ध होती हैं, क्योंकि वह भगवान की अनन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वही कार्य जो हम भौतिक जगत में देखते हैं वो तो उस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, और वही कार्य आध्यात्मिक जगत में भी है, और उसमें क्या फर्क है कि वो भौतिक गुणों से कलुषित नहीं है, वो नितांत दिव्य हैं। क्यों दिव्य हैं? क्योंकि भगवान की अनन्य दिव्य शक्ति में, दिव्य भक्ति इसके द्वारा ही वो सब तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। कोई वस्तु तब तक पवित्र हो नहीं सकती है जब तक कि उन पर तीनों गुणों का असर हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के चैप्टर में 13:26 में कहते हैं कि माम सव्यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी प्रेमा भक्ति में लगता है वो इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि भगवान की अनन्य दिव्य भक्ति में लगी हुई हर वस्तु होती है, इसलिए वो तीनों गुणों से कलुषित नहीं होती है। आध्यात्मिक जगत में भगवान प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता हैं, और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमल से रहित भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते। वास्तव में भक्तों, इस भौतिक जगत की सबसे बड़ी गंदगी ये है कि इसमें जीव के अंदर फाल्स ईगो है, अहंकार है, और वो अहंकार क्या है कि मेरा कोई अस्तित्व है तो मुझे भोक्ता बनना है, मुझे आनंद लेना है। हर एक जीव अपने अपने स्तर पर, चाहे वो 84 लाख योनियों में से कोई एक छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो, वो अपने स्तर का आनंद ढूंढता है और वो अपने आप को भोक्ता मानता है। यही इस जीव की सबसे बड़ी दुर्दशा है। और जब जीव अपने आप को भगवान का अंश मानकर भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए कार्य करता है, तभी ही वो वास्तव में संतुष्ट होता है। इस भौतिक जगत में तो जीव ना जाने कितने करोड़ों जन्मों से आध्यात्मिक जगत से गिरा है और आनंद खोज रहा है, लेकिन जब तक उसे ये बात समझ में नहीं आएगी कि मैं भगवान का अंश हूँ और मुझे आनंद तभी प्राप्त होगा जब मैं भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण करके, भगवान को प्रेम करके उनको आनंद प्रदान करूँगा, तो जब उनको, जीव को यह बुद्धि आ जाती है, तब वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। और यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक पद पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं वहाँ वो नहीं पाई जाती। यानी कि निर्विशेष नहीं, आध्यात्मिक जगत में क्या है, वो भगवान है, और भगवान के साथ जीव का प्रेम का आदान प्रदान है। जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि आध्यात्मिक जगत में भगवान प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। यदि वो भोक्ता हैं तो वो निर्विशेष कैसे हो सकते हैं? और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमल से रहित भगवान की प्रेममयी
दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। अब सेवा किसी निराकर की तो नहीं होगी, तो आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित है। ऐसा उसके अंदर भौतिक जगत की गंदगी नहीं है, किंतु आध्यात्मिक पद पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं वहाँ वो नहीं पाई जाती है। नारद पंचरात्रि में भक्तिमयी सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, अत्यंत ही सुंदर। नारद पंचरात्रि में कहते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जो भी उपाधियां हैं उनसे मुक्त होना। उपाधियां क्या? इस भौतिक जगत में हम जीव जो है वो अपने आप को कुछ समझते हैं। क्या? कोई समझता है मैं वो पुरुष हूँ, कोई समझता है मैं स्त्री हूँ, कोई समझता है मैं पिता हूँ, तो कोई समझता है मैं पुत्र हूँ, कोई बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, तो कोई बोलता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो कोई गृहस्थ हूँ। लेकिन ये सब उपाधियाँ हैं, क्योंकि ये सब किसकी हैं? हमारे शरीर से रिलेटेड हैं। वो सब में से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है, और ना ही उसके कोई संबंधी है। इसलिए सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम, जब जीव समस्त उपाधियों से विनुर्मुक्त हो जाएगा, तत्परत्वेन निर्मलम, तभी वो निर्मल हो जाएगा, वो अपराधों से रहित हो जाएगा। और वो क्या करेगा? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, तो फिर अपनी इंद्रियों को ऋषिकेश भगवान की सेवा में लगाएगा उनको आनंद देने के लिए, क्योंकि वो जान जाएगा कि भगवान ही भोगता है। और यही सेवनम भक्ति रुच्यते, वास्तविक भक्ति यही है। इसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि मूलतः सारी इंद्रियां भगवान की इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती हैं, जो कुछ भी इंद्रियां हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुई हैं? भगवान से। जैसे यहाँ पर श्लोक में भी बताया गया, वाचा विनिर्मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्तधातवा, जो कुछ भी इंद्रियां हमारी हैं वो भगवान के से ही उत्पन्न होती हैं। अतएव भौतिक जगत के कामोद्दीपक कार्यों को भक्तिमयी सेवा की विधि से शुद्ध करना होता है, और इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है? अपने भौतिक जो कामोद्दीपक कार्य हैं, बस मैं आनंदित हो जाऊं, उसको भक्ति सेवा की विधि से शुद्ध करना है। क्या सोचकर? कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। और इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। फिर यही जीवन की पूर्णता है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों की धारणा से मुक्त होने की अवस्था से प्रारंभ होती है। उपाधियों से मुक्त होना है, मेरा एक ही स्वरूप है। क्या? जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ भी नहीं हूँ। ना हम विप्र न च नरपति, न वैश्यो न शूद्रा, ना हम वर्णी न चकिरहपति, न वानस्थो यतुर्वा, गोपी भर्तु पद कमल दास दासार दासे दास। तो यही हमारी वास्तविक पहचान है कि भगवान श्री कृष्ण के दासों के दासों के दासों का दास। प्रत्येक जीव किसी न किसी सेवा में लगा है, चाहे वह अपनी सेवा हो या अपने परिवार की, समाज की या देश इत्यादि की सेवा हो। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती हैं। भौतिक आसक्तियों को मात्र भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए, और इस प्रकार इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जीव का स्वभाव है सेवा करना, वो सेवा करेगा, किसी न किसी की तो करेगा। कोई समाज की करेगा, देश की करेगा, राष्ट्र की करेगा, या अपने रिलेटिव्स की करेगा, या अपने संतान की करेगा, नहीं तो फिर अपने आप की तो करेगा। लेकिन क्यों कर रहा है? आसक्ति के कारण। बस कार्य नहीं त्यागना है,
केवल उस आसक्ति को जो कि हमारे बंधन का कारण बनती है, इस आसक्ति को मात्र भगवान की सेवा में बदलना है कि मैं कार्य क्यों कर रहा हूँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और इस प्रकार भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाएगा। यदि कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी तो आसक्ति यदि खत्म करनी है तो ये सोचकर कार्य करना है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इस तरह मुक्ति की विधि अन्य सभी विधियों की उपेक्षा भक्तिमय सेवा के माध्यम से सरल है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत खास बात बता रहे हैं कि बहुत सारी विधियाँ हैं मुक्ति की, लेकिन ये जो भक्तिमय सेवा है भगवान को प्रसन्न करने की, वो बाकी सारी जितनी विधियाँ हैं, यज्ञ करना, तपस्या करना, आज कौन कर सकता है? क्या कोई कई जन्मों कई सालों तक तपस्या करने के लिए जंगल में जाकर एक पेड़ पर या अंगूठी के ऊपर खड़े होकर हाथ ऊपर करके खड़े होकर तपस्या कर सकता है? क्या कोई बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कर सकता है? क्या कोई ना बहुत सारा ध्यान दान दे सकता है? तपस्या नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, दान नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत कठिन है। लेकिन भक्तिमय सेवा, भगवान को प्रेम करना, प्रेम से भगवान की कथा को सुनना, भगवान के नाम को जप करना, भगवान को भोजन अर्पण करना, ये कितना सरल है। तो मुक्ति की सबसे अन्य सरल जो विधि है वो भगवान की भक्ति है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी 12.5 में जो भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि यदि कोई निर्विशेष रूप में आसक्त होता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। केशोधिका तरस्ते शाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गते दुःखम् देहवत् भिरवाप्यते। क्योंकि हम देहवत हैं, देहधारी हैं, इसलिए हमारा मन जो है वो देहधारी, जिनका देह हो, जिनका स्वरूप हो, भगवान के ऐसे रूप में ही टिकेगा। इसलिए यदि हम निराकार की सेवा करने के विषय में सोचेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें ये सुझाव देते हैं कि भगवान को, भगवान के स्वरूप को प्रेम करना, उनकी ओर आकर्षित होना और उनकी सेवा करना ही जीव का वास्तविक धर्म है। इसी से ही जीव संतुष्ट हो सकता है। आगे श्लोक नंबर 2 में ब्रह्मा जी कहते हैं, सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायणे अश्विनोरोषधीनां च ग्राणो मोद प्रमोदयो सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायणे अश्विनोरोषधीनां च ग्राणो मोद प्रमोदयो सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायणे अश्विनोरोषधीनां च ग्राणो मोद प्रमोदयो सर्वासूनां च वायोश्च। सर्व मतलब सभी, असूनां यानी विभिन्न प्रकार की प्राणवायु, असून कहते हैं प्राणवायु को, च तथा वायु यानी वायु का, च भी तन नासे परमायणे, तन मतलब उसकी, नासे मतलब नासिका, परम आयणे का मतलब होता है दिव्य जनन केंद्र में। अश्विनो रोषधीनाम च, अश्विनो मतलब अश्विनी कुमार देवताओं का, औषधीनाम समस्त जड़ी बूटियों का, च ग्राणो मोद प्रमोदयो, ग्राणो मतलब ग्रहण शक्ति, मोद मतलब आनंद, प्रमोदयो मतलब विशिष्ट खेल। तो यहाँ बता रहे हैं, अनुवाद देखिए, उनके दोनों नथु ने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार की वायु के जनन केंद्र हैं। हम अपने नथुनों से सांस लेते हैं तो उनके जो नथुने हैं वो सभी प्रकार की वायु के जनन केंद्र हैं। तो वो हम इसलिए सांस ले पाते हैं क्योंकि भगवान के हम अंश हैं और भगवान के जो
नासिका है वो ही संपूर्ण प्रकार की वायु की जनन केंद्र है। और आगे बताया घ्राणम, उनकी ग्रहण शक्ति जो है उनकी ग्रहण शक्ति से अश्वनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती हैं। जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो भगवान के ही कारण हो रहा है, भगवान की ही शक्ति से हो रहा है। जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो सब भगवान की ग्रहण शक्ति से, अश्वनी कुमार भी उनके ही द्वारा उत्पन्न होते हैं जो कि समस्त जड़ी बूटियों से औषधियाँ बनाते हैं और उनकी श्वास से विभिन्न प्रकार की सुगंधियाँ, वो सांस ले रहे तो सुगंध उत्पन्न हो रहा है, वो बोलते हैं तो शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, वो यदि देखते हैं तो दृश्य उत्पन्न होता है। तो ये सब कुछ जो कुछ भी है चाहे वो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है वो सब भगवान के द्वारा ही उत्पन्न, हमारी इंद्रियां भी भगवान के द्वारा उत्पन्न हो रही थी और इंद्रियों के सारे विषय भी भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होते। श्लोक नंबर 3, रूपाणां तेजसा चक्षु देवी सूर्यस्य चाक्षिणी करणो दिशां च तीर्थानां श्रोत्तमाकाश शब्दयो रूपाणां तेजसां चक्षु देवी सूर्यस्य चाक्षिणी करणो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाश शब्दयो रूपाणां तेजसां चक्षु। रूपाणां तेजसां, रूपाणां मतलब सभी प्रकार के रूपों के लिए, तेजसां सभी प्रकाशनों का, चक्षु यानी आँखों, जो भी संसार में तेज है रूप है वो भगवान के नेत्रों के द्वारा। देवी सूर्य से चाक्षिणी, देवी मतलब चमकने वाला सूर्य से यानी सूर्य, च भी अक्षिणी, अक्षिणी मतलब नेत्र गोलक, आँखों के अंदर जो लेंस हैं वो क्या हैं, सूर्य और चंद्रमा जो चमक रहे हैं वो। और करणों दिशा से तीर्थाणम, करणों मतलब दो कान, दिशा मतलब समस्त दिशाएं, च तीर्थानाम यानी समस्त वेदों का जो भी शब्द ध्वनि है वो उनके करण है। और श्रोत्रम आकाश शब्द, श्रोत्रम मतलब श्रोण इंद्रिय, एक कान होता है और कान के अंदर एक सुनने की इंद्रिय होती है, एक कान का जो आकार होता है वो होता है, वो समस्त दिशाएं। और जो कान अंदर जो श्रोत्र इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय है, वो आकाश शब्द है, मतलब आकाश या सारी ध्वनियों का जो है वो केंद्र वही है। अनुवाद देखिए, उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं, वो चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं, उनकी पुतलियाँ यानी नेत्र गोलक सूर्य तथा दैवी नक्षत्रों की भांति हैं, उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं, उनकी श्रवण इंद्रिय आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ कभी कभी तीर्था नाम शब्द की व्याख्या तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है। ये जो दूसरी लाइन का सेंटर वाला शब्द है ना, करणों दिशां च तीर्था नाम, उसके विषय में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तीर्थ स्थानों के लिए नहीं यूज हुआ है, क्योंकि शिला जीव गोस्वामी का कहना है कि यह वैदिक दिव्य ज्ञान के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है, वैदिक ज्ञान के समर्थकों को भी तीर्थ कहा जाता है। तो ये क्या है, तीर्थ करणों दिशां च तीर्थाणाम यानी उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं, श्रोत्रम आकाश शब्द है। और इस बात को आगे इस चीज़ को समझाते हैं श्लोक नंबर 4 में, वे कहते हैं तत्कात्रम वस्तु साराणम सौभगस्य च भाजनम त्वगस्य स्पर्श वायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि तत्कात्रम वस्तु साराणम सौभगस्य च भाजनम त्वगस्य स्पर्श वायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि तत्कात्रम वस्तु साराणम
तत् मतलब उनका, गात्र मतलब शरीर की सत्ता, जो शरीर का ऊपरी भाग है, वस्तु सारणाम सभी वस्तुओं का सार है, जो उनका स्किन है ऊपर का, शरीर की जो ऊपर वाली सतह है वो सारी वस्तुओं का सार है। और सौभाग्य से च भाजनम, सौभाग्य से मतलब समस्त शुभ अवसरों का, च भाजनम यानी उत्पादन क्षेत्र है, जो कुछ भी शुभ संसार में है वो सब भगवान के कारण है। और त्वगस्य स्पर्श वायुश्च, त्वक मतलब त्वचा, अस्य मतलब उनकी, स्पर्श मतलब स्पर्श, वायु गतिशील वायु का, च भी सर्वमेधस्य चैव हि, सर्व मतलब सभी प्रकार के, मेधस्य मतलब यज्ञों का, च भी एव निश्चय ही सही सही, मतलब उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों की जन्म स्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति सभी प्रकार के स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वायु सारे लोकों का गतिशील तत्व है। संसार में हर जगह पर वायु बह रही है, तो उसके लिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अतएव इच्छित लोकों को जाने के जनन केंद्र हैं ये यज्ञ, उनके शरीर का ऊपरी सतह है और समस्त शुभ अवसरों का उद्गम है। तो हर जगह पर जो ये वायु बह रही है उनकी त्वचा के समग्र है, और उसी के कारण जो है वो संसार में शुभ हो रहा है, आनंद हो रहा है। और इसी बात को यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो कुछ वायु सारे लोगों का गतिशील तत्व है, अतएव इच्छित लोगों को जाने के जनन केंद्र है, और ये यज्ञ उनके शरीर का ऊपरी सतह है और समस्त शुभ अवसरों का उद्गम है। जो कुछ भी शुभ जीवन में संसार में होता है उसका उद्गम क्या है, वो भगवान के कारण ही शुभ होता है। अगर भगवान नहीं है तो ये संसार अशुभ ही अशुभ है। इस संसार में कोई शुभ नहीं है, इस संसार में केवल दुर्घटना है, ये संसार वास्तव में दुखालयम है। और भगवान का नाम या भगवान का होना इस संसार में, जो भगवान के भक्त हैं उनके होने के कारण इस भौतिक जगत में थोड़ा बहुत सुख है, आनंद है, वरना ये संसार अंधकार ही अंधकार है। आप सोचो, भगवान यदि सूर्य को उत्पन्न ना करें तो इस संसार में क्या कोई वस्तु ऐसी है जो दिखाई दे? ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये भगवान ने बनाए हैं और उसके कारण इस संसार में कुछ प्रकाश है, जिससे संसार में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वो भगवान की ही सत्ता है। अब यहाँ पर इस संसार में केवल अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, ये सूर्य और चंद्रमा ना हो, तो क्या कोई वस्तु दिखती? ये सूर्य, ये चंद्रमा, इनके कारण ही तो सब हो रहा है, वरना तो केवल मिट्टी होती, पहाड़ होते, वृक्ष होते, कुछ दिखता नहीं ना, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा होता खाली हर जगह पर। ये संसार में वास्तव में अंधकार है, और कृष्ण जो है वो एकमात्र इस संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। आगे कहते हैं रोमायुद्भिज जाती नाम यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः केशश्मश्रुनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युताम् रोमायुद्भिजातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृत केशश्मश्रुनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युताम् रोमाणी मतलब देह के जो रोम होते हैं ना, वो क्या है, उद्भिज यानी वनस्पति, जजाति ना मतलब जातियों का, यैर वा यह मतलब जिसके द्वारा, वा या यज्ञस्तु संभ्रत यज्ञ तो, लेकिन संभ्रत यानी विशेष रूप से सेवित, और केशश
केश सिरस के सिर के जो बाल हैं केश, और शमश्रु यानी मूछें जो हैं, नखाने यानी नाखून अस्य उसका, शिला यानी पत्थर, लोह मतलब लोह या अयस्को, अब्र यानी बादल, विद्युताम यानी बिजली। तो यहाँ यहाँ पर अनुवाद देखिए, रोमणा युद्ध भी जजाति नाम, उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पतियों के कारण हैं। जितने भी संसार में वृक्ष हैं, वनस्पतियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, वो क्या हैं, भगवान के रोम उनके कारण से हुई हैं। और यैरवा यज्ञस्तु संभ्रत, और विशेष रूप से उन वृक्षों के जो यज्ञ की सामग्री यानी अवयव के रूप में काम आते हैं, वो वृक्ष जैसे जव के वृक्ष हैं और तिल के वृक्ष हैं, वो सब भगवान, वो शुद्ध है ना, इसे भगवान के रोमों से उनको विषय बताया गया। और केश शम अश्रु नखान यस्य, उनके सिर तथा मुख के बाल बादलों के आघार हैं। संसार में जितने भी बादल हैं वो वास्तव में भगवान के केश हैं। और शिला लोह भ्र विद्युताम, शिला कहते हैं पत्थर को, लोह कहते हैं लोहे को, अभ्र कहते हैं बादल को, और विद्युताम यानी बिजली को। तो यहाँ कहते हैं उनके नाखून बिजली पत्थरों तथा लोह अस्यको के उद्गम है। तो संसार में जो कुछ भी है उसका उद्गम स्थान कौन है, भगवान है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के चमत्कार नाखून बिजली उत्पन्न करते हैं और सारे बादल उनके सिर के बालों पर टिके रहते हैं। अतएव भगवान के शरीर से जीवन की सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं एकत्रित की जा सकती हैं। इसलिए वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त उत्पन्न वस्तुओं के कारण हैं, भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त वस्तुओं के कारण हैं, उनके कारण ही ये जगत है। और यदि कोई भगवान को समझ जाता है कि भगवान के अतिरिक्त और संसार का कुछ कोई वस्तु की कोई वैल्यू ही नहीं है, ना हमारे शरीर की और ना ही इस दृश्य जगत की, ये वास्तव में गतिशील इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान का एक अंग है, ये वास्तव में सुंदर इसलिए है क्योंकि भगवान की शक्ति है, ये वास्तव में प्रेम करने योग्य इसलिए है क्योंकि भगवान इसमें समाये हुए हैं। और यदि हम भगवान के विषय में ये सब पढ़ेंगे तो हमें भगवान की महानता के विषय में पता चलेगा, और जैसे जैसे हम भगवान की महानता को समझते जाएंगे वैसे वैसे हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम भी उत्पन्न होता जाएगा। तो मुझे क्षमा कीजिएगा यदि मैं इसको अच्छे से ना समझा सकी हूँ, और कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मेरी हृदय से इच्छा है कि हम आगे भागवतम को इसी तरह से कंटिन्यू करें। कृपया मुझे अवश्य अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम और प्रार्थनाएं प्रदान कीजिए ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।